नमस्कार, मैं सुनील वर्मा आपका स्वागत करता हूं रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को गुड आफ्टरनून, आप सभी का स्वागत है मैपिंग की एक स्पेशल सीरीज में, जहां पर हम मैपिंग के माध्यम से अफ्रीका कॉन्टिनेंट अर्थात अफ्रीका महाद्वीप को देखने और समझने का प्रयास करेंगे। अफ्रीका महाद्वीप को देखने और समझने की ये जो जर्नी है वह इतनी शानदार होने वाली है कि पूरा अफ्रीका जो आज आप एटलस में देखते हैं, कुछ दिनों बाद आपके दिमाग में पूरा छपा होगा। आज जिस अफ्रीका को देखने के लिए आपको एटलस की जरूरत पड़ती है, कुछ दिनों के बाद आप आंख बंद करेंगे और आपको वो पूरा अफ्रीका नजर आएगा। लेकिन पूरा अफ्रीका और उसके जितने भी महत्वपूर्ण लोकेशन हैं वह आपको दिखें, उसके लिए जरूरी है कि आपको मेरे हिसाब से मेहनत करना होगा। रटना कुछ नहीं है, सिर्फ मेहनत करना है। क्योंकि ये जो परीक्षा है इसकी डिमांड है कि जो आपका अप्रोच होना चाहिए वह एनालिसिस का होना चाहिए। हर टॉपिक को आपको डायनेमिक तरीके से और साइंटिफिक तरीके से समझना होता है, डिस्कस करना होता है। तो मेरा जो अभी तक का अनुभव रहा है, पूरा अनुभव मैं आपको देने जा रहा हूँ। जिन बच्चों ने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एक तरफ से किया, आप उनकी नॉलेज को देख सकते हैं, उनकी पकड़ को देख सकते हैं, एकदम शानदार पकड़ उनकी उस पर हो गई है। वो आंख बंद करते हैं और सभी लोकेशन आपके दिमाग में आ जाती है। ठीक इसी तरह से आज से जो लोग मैपिंग स्टार्ट कर रहे हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, मैं बिल्कुल बेसिक से आपको जो जो बताऊंगा बस आप उसको फॉलो कीजिए और देखिएगा अफ्रीका महाद्वीप के लगभग 300 से लेकर 350 लोकेशन और फैक्ट आपके दिमाग में होंगे। और बिल्कुल भी इसको रटना नहीं है, मेरी क्लास की यही खासियत होती है कि रटना मना होता है। तो आप सभी का स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर लीजिए, एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर लीजिए। जितने लोग अभी आप क्लास में हैं उससे आधे भी लाइक नहीं है, तो कंजूसी इतना मत कीजिए। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसी मेहनत का लोग जो है कि 2-2 लाख रुपए फीस लेते हैं। तो यहाँ पर फीस आपसे नहीं लिया जा रहा है, सपोर्ट मांगा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि भाई जब आप रिजल्ट मित्र के साथ जुड़े हो तो आप अपनी मित्रता दिखाइए, तो आपको भी मित्रता दिखानी चाहिए। दिखाइए थोड़ा सा मित्रता, सेशन को शेयर कर लीजिए, सेशन को शेयर कर लीजिए। कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार मैपिंग करने जा रहे हैं? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार मैपिंग करने जा रहे हैं? बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। तो बस आप एक काम कीजिए, एटलस ले लीजिए, सब लोग एटलस लेकर बैठिए और आप देखिएगा जो मैं आपको टास्क बताने जा रहा हूं, जिस तरह से मैं आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा आप उसको कीजिएगा, एकदम शानदार आपकी जर्नी होने वाली है। चले तो सेशन को एक बार शेयर कर लिए आप लोग, एक बार सेशन को शेयर कर लिए, सेशन को शेयर कर लिए आप लोग, अभी तो नहीं किए हैं, एक बार कर लेते तो अच्छा लगता। अगर आप लोग एक बार कर लेते, अभी बताओ लाइक भी नहीं किए आप सब लोग। अब समझ में आया कोचिंग वाले फीस क्यों मांगते हैं? क्योंकि उनको पता है आप पर कोई कितना भी मेहनत कर ले, आप में से कुछ लोग टस से मस नहीं होते। मैं शेयर करूं, मैं जानते हो मैं कौन हूं? बिल्कुल जानता हूं। शेयर कर लो, आप ही के लिए है, है ना? आप सपोर्ट नहीं करोगे तो हम कैसे मेहनत कर पाएंगे, और हम मेहनत नहीं कर पाएंगे तो क्लासेस कैसे आगे बढ़ेंगे, है ना? चल चल सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो हमें बात करना है अफ्रीका महाद्वीप के मैप। अब देखिए अफ्रीका महाद्वीप आपके सामने है, एक सेकेंड, ये है। हमें इस कॉन्टिनेंट को डिस्कस करना है,
ये जो महाद्वीप है इसको डिस्कस करना है। अब इसको जब हम डिस्कस करेंगे तो इसका पॉलिटिकल मैप भी देखेंगे। पॉलिटिकल मैप कौन सा मैप होता है, जिसमें देश राजधानियां है ना और देशों की बाउंड्री दिखी होती है। जैसे आप देख सकते हैं ये पॉलिटिकल मैप, ठीक है, ये पूरा पॉलिटिकल मैप आप देख सकते हैं। इसमें एशिया है ना, सभी कॉन्टिनेंट्स आपको दिखाए गए हैं। और इसको देखेंगे तो इसमें देशों की बाउंड्री दिखाई गई। और यह एक आपका नेचुरल मैप, ये आपका नेचुरल मैप। तो हमें दोनों मैप पर कमांड करना है, अर्थात हम पॉलिटिकल मैप और नेचुरल मैप दोनों को देखेंगे। नेचुरल मैप में क्या होता है, पर्वत पहाड़ नदी मैदान घाटियां सब होती हैं, ठीक है, तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे। प्रश्न आएगा तरीका क्या होगा, तो देखिए आपको जो काम करना है वो ये है। सबसे पहले मैपिंग के लिए आपके पास होना चाहिए एटलस, किसी भी पब्लिकेशन का हो, कितना भी पुराना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कोई कहूं कि आप किसी खास पब्लिकेशन का खरीदिए, मत खरीदिए, अच्छा होगा पुराना आप किसी से ले लीजिए। हर शहर में कुछ ऐसी दुकानें होती हैं जहां पर पुरानी किताबें मिल जाती हैं, और अगर कोई विकल्प ना हो तो आप नया भी खरीद सकते हैं और आप किसी पब्लिकेशन का खरीद सकते हैं। हाँ, जब नया खरीदें और अगर आपके पास पैसे आप खर्च कर रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस लीजिएगा, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का स्टूडेंट एटलस लीजिएगा, ठीक। एटलस क्या होता है, एक किताब होती है जिसमें मैप वगैरह होता है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ लोग कहेंगे सर ये एटलस क्या होता है। देखो जैसे ये देखिए, ये एक किताब है, ये एक किताब है ना, और इस किताब में कुछ नहीं है, है ना, सिर्फ और सिर्फ मैप है, सिर्फ और सिर्फ मैप होता है, सिर्फ मैप होता है, ठीक है, ये केवल मैप की किताब होती है। तो इस तरह की किताब को बोलते हैं एटलस, ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर इसको ले लेंगे तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर आपको कैसे एटलस यूज करना। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक एटलस, और एक होना चाहिए आउटलाइन मैप, आउटलाइन मैप। इसको कट एंड ड्रॉ मैप भी बोला जाता है। जैसे आप यह एटलस लेंगे इसमें मैप बने होंगे, इसी तरह से एक आउटलाइन मैप आता है जिसमें कुछ नहीं होगा, इसी तरह से सिर्फ आपको बाउंड्री दिखाई गई होगी, उसमें ना तो कोई नदी होगी, कोई भी रेखा नहीं होगी, ब्लैंक होगा। कैसा होगा ऐसा, एक सेकंड में आपको दिखाता हूं। एक सेकंड लीजिए बच्चों, जैसे ये इस तरह का मैप होगा। अब देखिए इस पर किसी स्टूडेंट ने मेहनत किया हुआ है, आपको जो मिलेगा इस तरह का मिलेगा मैप, ठीक है, इस तरह का। और ये बिल्कुल ऐसे ब्लैंक मैप होगा, इस पर आपको जो जो मैं जैसे बताऊंगा वैसे उसकी एंट्री करनी है। एक आपने ये देखा, और भी दिखा देते हैं। जैसे अभी आपने जो देखा, इन्होंने क्या किया था, उसमें पर्वत पहाड़ और चोटियों को दिखाया था, और इसमें इन्होंने प्रमुख झीलों को दिखाया। तो देखिए इस तरह के आपके पास आउटलाइन मैप होंगे, उसमें जैसे जैसे मैं बताते चलूंगा आपको बस उसी तरह से लोकेट करना है, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ आउटलाइन मैप होना चाहिए, उसमें कौन सी एंट्री कहां पर कैसे होगी मैं आगे बताऊंगा। देखिए ये भी आउटलाइन मैप था, और इसमें आप देख सकते हैं इन्होंने पर्वतों को, मरुस्थलीय क्षेत्रों को इसमें दिखाया है। तो इसी तरह से आपको भी एक आउटलाइन मैप लेना है, और उसमें जैसे जैसे मैं एंट्री बताऊंगा उसको नोट करना है, अर्थात ये मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने नदियों को दिखाया हुआ है, देख सकते हैं नदियों को दिखाया। तो आपको इसी तरह से एक आउटलाइन मैप ले लेना है, और आउटलाइन मैप लेकर क्या होगा, जैसे जैसे मैं जो लोकेशन आपको डे बाई डे एटलस में दिखाऊंगा, मैं क्या करूंगा, जैसे चलिए हम इसको चालू करते हैं। आप सब लोग एटलस खोलिए, जितने लोग पास एटलस से खोलने नहीं है तो आज
यहाँ पर काम चलाएं, लेकिन मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ भूगोल के लिए नहीं, मैपिंग के लिए नहीं, पूरी यूपीएससी सीएससी की तैयारी के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके पास मैप होना चाहिए। बिना मैप के अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बस ये समझिए आप आँख बंद करके बस कुछ पढ़ रहे हैं। अब आँख बंद करके क्या पढ़ रहे हैं ये आप ही जानते होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैपिंग क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इसका एक सेपरेट वीडियो भी इसी चैनल पर उपलब्ध है, स्ट्रेटजी वाली प्लेलिस्ट में, आप उसको भी देख सकते हैं। अभी चूंकि हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट को डिस्कस कर रहे हैं तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बस ये समझिए कि आपके पास एटलस जरूर होना चाहिए, और अगर आपके पास एटलस है तो सभी लोग अपने एटलस के इंडेक्स को खोलें, सभी लोग अपने एटलस के इंडेक्स को खोलें। इंडेक्स क्या होता है, वह पेज जिस पर यह बताया गया होता है कि आगे किस पेज पर क्या चीज है, कौन सा चैप्टर। जैसे आपने देखा होगा विषय सूची जहां पर बताई जाती है कि कौन सा टॉपिक कहां पर होगा, वो लिखा होता है ना चैप्टर की, ये चैप्टर इतने नंबर पेज पर, इसी तरह इसी को बोलते हैं इंडेक्स। अब इस इंडेक्स को खोलिए और देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट किस पेज पर है। सभी का एटलस अलग अलग पब्लिकेशन का हो सकता है, और एक ही पब्लिकेशन का हो भी होगा तो उसका एडिशन क्या होगा, अलग अलग होगा, कोई नया होगा कोई पुराना होगा। तो अब आप क्या कीजिए, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को खोल लीजिए, और जब आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट को खोल लेंगे तो इस तरह से आपको पास दो अफ्रीका के मैप निकल कर आएंगे। एक मैप ऐसा होगा जिसमें पर्वत पहाड़ नदी मैदान घाटियां दिखाई गई होंगी, इसको बोलते हैं नेचुरल मैप, इसको बोलते हैं नेचुरल मैप, या इसी को बोलते हैं फिजिकल मैप, या इसी को बोलते हैं फिजिकल मैप। और एक और मैप इस तरह का होगा, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल मैप, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। अब देखिए, अब आपने इसको खोल लिया तो अब आपको क्या करना है, आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, और जो जो इन्फॉर्मेशन मैं बताऊं, पहले आपको क्या करूंगा, मैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के विषय में कुछ बेसिक जानकारी बताऊंगा, और फिर कोई लोकेशन अगर आपको देखना होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मान लो मैं कह रहा हूँ एक्स लोकेशन है, आप यहाँ देखिए, मैं कह रहा हूँ वाई लोकेशन है, आप यहाँ पर देखिए, मैं कह रहा हूँ जेड लोकेशन यहाँ पर देखिए, तो जहाँ पर जो मैं लोकेशन बताऊँगा बस उसको हाईलाइट करते चलेगा। और जितने लोकेशन मैंने आज आपको बताए, तो क्लास खत्म होने के बाद आप आउटलाइन मैप लीजिएगा, और आउटलाइन मैप में मान लो मैंने अपनी जर्नी आज यहां से स्टार्ट की, तो एक्स को क्या कीजिएगा, 1, वाई को 2 लिख दीजिएगा आउटलाइन मैप में, और इसको 3 लिख दीजिएगा, और इसी तरह से क्रम बढ़ाते चलेगा। और वहां पर आपको नाम नहीं लिखना है, क्या है क्या विशेषता, कुछ नहीं लिखना। जैसे आप इस बच्चे की यहां पर, जिस बच्चे ने मेहनत किया उसको देखिए, क्या यहां पर आप देख सकते हैं इसमें इन्होंने क्या किया है, नदियों को दिखाया है, लेकिन क्या कोई नाम लिखा है, इन्होंने क्या किया, नंबरिंग की है। अब इसको क्या करना होता है, इस आउटलाइन मैप को जब आप बना लेते हैं तो इसको रात को सोते समय देखना होता है। अब प्रश्न आएगा कि सर इन्होंने ऐसे तो कर लिया, लेकिन ये 1, 2, 3 क्या है, तो देखो जैसे इन्होंने यहां पर ऐसे लिखा है, अब इसके पीछे इन्होंने क्या किया, इस तरह एक जो है कि ब्लैंक पेज पर लिख लिया है, कि अर्थात यहां पर देखो एक नंबर क्या है, दो नंबर क्या है, इन्होंने इस तरह से लिख लिया, इस तरह से एक नंबर क्या है, दो नंबर क्या है, तीन नंबर क्या है, इस तरह से इन्होंने लिख लिया, ठीक है। तो वहां पर सिर्फ आपको देखना है, और इस तरह से मैं जो आपको लोकेशन बताऊंगा, इस तरह से आपको क्या करना है, नंबरिंग करके पेज में नोट करते चलना है, और जब इस तरह से पेज में नोट करते चलेंगे तो जो आपके पास आउटलाइन मैप बनेगा उस पर सिर्फ नंबर नंबर होंगे। अब प्रश्न आएगा कि आखिर हमने यह अप्रोच क्यों अपनाया, क्यों ना हम ये क्या करें, जहां पर देखिए और भी दिखा देता हूं मैं आपको, और भी एटलस दिखा देता हूं क्योंकि बहुत जरूरी है। देखिए इसमें इन्होंने मरुस्थल और अन्य स्थलाकृतियों को दिखाया है, आप पहले इसको देखिए, फिर से देखिए, इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे कर रखा है, और इसकी विशेषताओं को इसके पीछे के पेज पर ये देखिए यहां पर इन्होंने लिख रखा है, पीछे के पेज पर इन्होंने इसकी विशेषताओं को लिख रखा है। प्रश्न आएगा कि आखिर मैंने इनको यहीं पर क्यों नहीं लिखवा दिया, उसके पीछे का कारण ये है कि जब हम इसको ऐसे लिखा हुआ देखेंगे तो हम पढ़ेंगे, और हमें क्या करना है, इसको दिमाग में बैठाना है, तो जब हम नंबरिंग की चीजों को देखेंगे तो कुछ चीजें हम भूलेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसको रिकॉल करेंगे कि यहां पर क्या था, और रिकॉल करके हो सकता है याद आ जाए, ना आए तो हम पेज पलट कर देख लेंगे, और यह प्रक्रिया हम 2 से 3 रात अपनाएंगे, और 2 से 3 रात जब आप सोते समय केवल नंबरिंग वाले पेजेस देखेंगे और उसके
इन जो फैक्ट्स हैं उनको रिकॉल करेंगे, और जब भूलेंगे तभी आप टेस्ट को पढ़ेंगे, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग वाले पेज को देखना है। आप देखिएगा आपका पूरा अफ्रीका छप जाएगा। यही चीज मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका में भी बताया था, और आप में से बहुत से बच्चों ने आंख को बंद किया और पूरा नॉर्थ अमेरिका छाप दिया, साउथ अमेरिका को भी अब वह इसी तरह से देख पा रहे हैं। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो अभी आपको एटलस के माध्यम से देखना पड़ रहा है, यह आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा। तो आपको इसके लिए क्या करना है, एटलस ले लेना है, क्लास में हाईलाइटर या दो तीन कलर के पेन लेकर बैठिए, जो लोकेशन मैं बताऊंगा मैं उसकी जगह बताऊंगा कहां पर आप सर्च करिए, उसको देखिए, सर्च कीजिए, हाईलाइट कीजिए, और उसको आप आउटलाइन मैप पर नंबरिंग कीजिए, और नंबरिंग की 1, 2, 3, 4 जो भी आप नंबरिंग करें उनकी विशेषताओं को मेरे साथ पेज पर अभी जो आपको फैक्ट्स लिख रहे हैं अभी कॉपी पेन ले लीजिए और उसको नोट करते चलिए, और इस तरह से आप देखेंगे आपके पास एक इतना शानदार नोट्स होगा जो किसी किताब में नहीं होगा, किसी भी एटलस में नहीं होगा। तो बहुत शानदार कॉन्टेंट आपको मिलना जा रहा है। लेकिन देखो क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक बार हम शानदार तरीके से पढ़ने के लिए थोड़ा सा ज्यादा समय लगा दें, दूसरा तरीका यह होता है कि हम बस पढ़ डालें, है ना, कुछ समझ में आए ना आए रट लेंगे। तो अगर वह आपका अप्रोच है तो मैं आपसे अभी माफी मांग लूंगा। और जिन लोगों ने यह सोचा होगा कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट मतलब 2 घंटा, मैंने तो यह देखा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट को आधे घंटे 40 मिनट में लोग बताकर खुश हो जाते हैं, लिख देते हैं यूपीएससी की क्लास है, वह आपसे झूठ बोल रहे हैं, उनके इतना धोखेबाज कोई नहीं है। आप बचिएगा, ये जो क्लासेस होती है ना 3 घंटे में पूरे विश्व की मैपिंग, इन क्लासेस ने ही हमारे रिजल्ट को डाउन किया है। आप अगर जो है कि कंपटीशन के क्षेत्र में है तो आपको अपना लेवल बढ़ाना होगा, आपको अपना न्यूनतम लेवल इतना रखना होगा जिससे आप अपने कंपटीटर से फाइट कर सकें। वह जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जहां पर आप 3 लाख 4 लाख रुपए फीस दे रहे हो, वह आपको मैपिंग जो है कि कम से कम अफ्रीका को 4 से 5 क्लासेस में पढ़ाते हैं, आपसे 8 से 10 घंटे का समय लेते हैं, और आप 8 से 10 घंटे में पूरा भूगोल पढ़ रहे हो, तो आपका लेवल और उनका लेवल क्या होगा। इसलिए ऐसी क्लासेस से बचेगा, मेरी भी क्लास अगर मैं कोई ऐसा टॉपिक आपको पढ़ा दूं जो छिछले स्तर का हो, उसमें गहराई ना हो, तो आप मेरी भी क्लास मत देखिए, क्योंकि सपना आपका है तो आप ही को डिसाइड करना होगा कि भैया हमारा लेवल बन रहा है कि नहीं। चलिए अब हम मैपिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए कितना बड़ी बात है, विकास कह रहे हैं सारा सिलेबस 2 साल में कवर होगा तो क्या मैपिंग 2 साल बाद करेंगे। भैया मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने ऐसा नहीं बोला, जो बोला है उसको उसी रूप में समझिए। साउथ अमेरिका का चैलेंज कब देंगे, बाद में देंगे, ठीक है। एक बार सेशन को अभी आप लोगों ने लाइक और शेयर नहीं किया ना, कर लो भैया कर लो, मैपिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ, फिर बीच में कोई आएगा उसको समझ में नहीं आएगा, एक बार कर लीजिए, रिक्वेस्ट है हमारी, रिक्वेस्ट है भैया, एक बार कर लीजिए। चलो तो आइए हम लोग मैपिंग स्टार्ट करते हैं। सब लोग एटलस खोल लीजिए, जिनके पास एटलस नहीं हो, है ना, आप यहां पर देखिएगा तो इस तरह का एक मैप आपको दिख रहा होगा। तो खैर हम सब चीजों को देखेंगे, आ जाते हैं अफ्रीका। अब देखिए 2 विकल्प है मेरे पास, है ना, मैं तुरंत क्या करूं इसकी फैक्ट को बताने लगूं। दूसरा तरीका ये है, पहले मैं अफ्रीका महाद्वीप से आपका परिचय करवा दूं। तो हम लोग जो मैपिंग करेंगे, सबसे पहले इस महाद्वीप के विषय में कुछ इम्पॉर्टेंट वह चीज़ें जानेंगे जो हमें ज़रूर जाननी चाहिए, जो हमारा बेस बनाएंगे, जो इस कॉन्टिनेंट में हमारी समझ को विकसित करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बाहर बाहर एक बार हम इसका चक्कर लगाएंगे, एक बार दो बार चक्कर हम इसको लगाएंगे। फिर जब हम इसका चक्कर लगा लेंगे तो लगभग 40 से 50 फैक्ट हमको यहाँ से कवर हो जाएंगे। कुछ हम सामान्य विशेषताओं के विषय में फैक्ट देखेंगे, फिर हम बाहर बाहर इसका एक चक्कर लगाते हुए हम फैक्ट देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम एक तरफ से कोई भी चीज, जैसे पर्वतों को लिया हमने तो यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट हुई, तो एक तरफ से सभी पर्वतों को देख लेंगे। फिर अगर हमने नदियों को लिया तो एक तरफ से नदियों को करेंगे, एक तरफ से हम जो है कि झीलों को करेंगे। अर्थात ऐसा नहीं एक यहां देख लिया, एक यहां देख लिया, एक यहां, ऐसे क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। सिस्टमैटिक तरीका हम अपनाएंगे। तो आइए सबसे पहले मैं सामान्य जो फैक्ट है उनसे मैं आपको आपका परिचय करवाता हूं। कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट करना चालू कर दीजिए। प्लीज 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 प्लीज
चलिए क्लास में आ जाइए, क्लास में आ जाइए, क्लास में आ जाइए, क्लास में आ जाइए। कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट करना चालू करिए। तो अफ्रीका महाद्वीप, अब देखिए आपके पास जो पेज है उस पर क्या लिखिए, आप ऐसे अफ्रीका लिख दीजिए। और अब जितने मैं फैक्ट्स बताते चल रहा हूं उनको 1, 2, 3 आप नोट करते चलिए, यही फैक्ट। अब यहां पर क्या होगा, मैं कुछ संक्षेप में समझाऊंगा, लेकिन मैं जब उसका एक्सप्लेनेशन करूं तो आपको क्या करना चाहिए, उसे नोट करना चाहिए, ठीक है। तो यह हमने अफ्रीका महाद्वीप देखा। अब अफ्रीका महाद्वीप की जो सामान्य जानकारी है उसको देखने के लिए पहले हम इस मैप का सहारा लेंगे। सभी लोग अपने एटलस में ड्रॉ करें एक लाइन, एक लाइन को ड्रॉ कीजिए। क्या यह इक्वेटर है, क्या मैं जो लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं ये विषुवत रेखा, मैपिंग स्टार्ट हो चुकी है। सब लोग देखिए, सब लोग विषुवत रेखा को हाईलाइट कीजिए। जिन लोगों ने अफ्रीका कॉन्टिनेंट को खोल रखा है उसमें वो देखें कि यहां पर एक लाइन दिखाई गई होगी, है ना, 0 डिग्री अक्षांश रेखा लिखा होगा, विषुवत रेखा लिखा होगा, भूमध्य रेखा लिखा होगा। इसको जब आपने देखा तो इससे क्या पता चल रहा है, यह जो विषुवत रेखा है यह इस महाद्वीप को लगभग दो बराबर भागों में डिवाइड कर दे रहा है। यह बराबर मत की, लगभग दो हिस्सों में डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है। चल अब यहां पर एक और लाइन को ड्रॉ कीजिए, यहां पर ऐसे, ठीक, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिए। अब यह जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो यह क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई। 0 डिग्री अक्षांश रेखा अफ्रीका के लगभग मध्य से होकर जा रही है, यह है 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा इसके पश्चिमी भाग से होकर जा रही है। आप देखिए, कोई भी स्थान जो इक्वेटर से उत्तर की ओर है तो हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर से उत्तर के सभी क्षेत्रों को हम एक नाम देते हैं, उत्तरी गोलार्ध। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, या जो दक्षिण इक्वेटर के दक्षिण का भाग है उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, और इंग्लिश में बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? अच्छा, ठीक इसी तरह से जैसे इक्वेटर क्या करता है, पूरे विश्व को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड करता है, इसी तरह से ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये भी विश्व को दो भागों में डिवाइड करती है, विश्व को दो भागों में डिवाइड करती है। यह जो सॉरी, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, अगर मेरे मुंह से विषुवत रेखा निकल गया हो तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा यहां पर हमने लिखा, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा से इधर पूरब का जो भाग होगा उसको हम बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, और इधर जो पश्चिम का भाग होगा इसको बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। इसका मतलब अगर हम अफ्रीका को देखें तो अफ्रीका का यह जो भाग है उत्तरी गोलार्ध, यह भाग क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध। यह जो हिस्सा है यह किस में आएगा, पूर्वी गोलार्ध में, और यह हिस्सा किस में आएगा, पश्चिमी गोलार्ध में। तो जो पहला फैक्ट आपका कंफर्म हुआ वह यह है कि अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, यह वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध या उत्तरी गोलार्ध क्योंकि इक्वेटर के नॉर्थ में, यह वाला जो हिस्सा है पूर्वी गोलार्ध क्योंकि 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में, और यह जो हिस्सा है यह पश्चिमी गोलार्ध क्योंकि 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में। पहला फैक्ट। दूसरी चीज, अब एक बात बताइए कि जो यह वाला भाग है यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, क्या यहां से कहीं देखिए कर्क रेखा भी जाती है क्या, यहां पर देखिए कहीं एक बार हाईलाइट कीजिए, देखिए कहीं से कर्क रेखा जा रही है क्या, यहां पर देखिए। अब मैं कर्क रेखा को हाईलाइट कर रहा हूं, कर्क रेखा, ठीक। और इससे पहले मैंने अभी जो लाइन ड्रॉ की थी मैं उसको फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये था आपका इक्वेटर। क्लियर? अब देखिए कर्क रेखा भी क्या हो रही है, इस महाद्वीप से जा रही है, ठीक इसी तरह से अब एक और रेखा खींच लीजिए और इसको मैं इससे कर देता हूं, ये है मकर रेखा। तो क्या इस महाद्वीप से यह रेखा भी जा रही है, यह रेखा भी जा रही है, ये मकर रेखा। तो विश्व की जो सबसे महत्वपूर्ण रेखाएं हैं उनमें किसका नाम आता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं, जो कि मध्य भाग से जा रही है, जिसको हमने लगभग ब्लैक कलर से दिखाया है, ये देखो ऐसे, ठीक।
वहीं दूसरी जो रेखा है वो कर्क रेखा है, जो कर्क रेखा हमने इसको रेड कलर से दिखाया है, ये आप देख सकते हैं यहां से जा रही है, और तीसरी जो रेखा है मकर रेखा, और एक रेखा मैंने अभी आपको बताया जो यहां से जाती है वो ये है आपका ए, ये है जीरो डिग्री देशांतर रेखा। इसका मतलब है कि अगर आपसे कोई पूछे कि अफ्रीका महाद्वीप से चारों महत्वपूर्ण रेखाएं जाती हैं, आप कहना बिल्कुल जाती हैं, कर्क रेखा भी जा रही है ना, विषुवत रेखा भी, मकर रेखा भी, और जीरो डिग्री देशांतर रेखा भी। क्लियर? अब ये जो रेखाएं हैं, क्या ये सिर्फ रेखाएं हैं कि इनका कोई इम्पैक्ट भी है? बिल्कुल इम्पैक्ट है। अब इस इम्पैक्ट को समझने के लिए हमें इसका सहारा लेना होगा। जैसे हमारे यहाँ पर, यहां से क्या होती है, एक रेखा जाती है, हमारे यहां पर देश से एक रेखा जाती है, और इस रेखा का नाम है कर्क रेखा, राइट? कर्क रेखा। और कर्क रेखा पर क्या है, कर्क रेखा तक जो स्थान होते हैं वहां पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं। जैसे क्या आज 21 जून है क्या, क्या आज 21 जून है क्या, क्या आज 21 जून है क्या? हाँ, एटलस में खींच लीजिए इसको, एटलस में खींच लीजिए। अच्छा, तो 21 जून को सूर्य क्या होता है, कर्क रेखा पर क्या होता है, लंबवत होता है, और कर्क रेखा पर आज लंबवत है, और कल से क्या होगा, सूर्य की किरणें अब लौटना चालू कर देंगे, सूर्य की किरणें क्या होगा, अब यहां से लौटना चालू करेंगे, और जब लौटना चालू करेंगे तो कुछ महीनों के बाद हमारा जो देश है इसको कर्क जो है कि सूर्य की किरणें छोड़ देंगे। अभी 21 मार्च के बाद क्या हुआ था, सूर्य की किरणों ने कर्क रेखा की ओर बढ़ना चालू किया, और अब क्या होगा, आज के बाद सूर्य की किरणें अब वापस लौटने लगेंगे। अब ध्यान देना, और वापस लौटकर वो कहां तक जाएंगी, मकर रेखा तक। इसका मतलब यह है कि यह जो कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक का जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का भाग है, इसकी जलवायु कुछ और होगी, यहां की जलवायु कुछ और होगी, जैसे हमारे इस देश के इस हिस्से की जलवायु कुछ और होती है, ठीक इसी तरह से यहां की जलवायु कुछ और होगी। और चूंकि हमारे यहां तो मकर रेखा नहीं जाती, लेकिन ये जो दक्षिण का भाग है, जो मकर रेखा से दक्षिण की ओर है, इसकी जलवायु क्या होगी, अलग होगी। इसका मतलब यह है कि सिर्फ हमें इन रेखाओं को इसलिए नहीं देखना है कि किन देशों से जाती हैं, बल्कि इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने आपसे कहा कि इन रेखाओं को क्या करना होगा, ड्रॉ करना होगा। आई होप आपने इन रेखाओं को खींच लिया होगा, खींच लिया। अब आ जाएं, अब हम फैक्ट पर आ जाएं, जो समझाने वाला काम था वो हो गया। प्लीज 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 क्लियर बता दीजिए, ठीक है? क्लियर 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 क्लियर। अब देख रहे हो गुरुजी को, देख रहे हो, ये गुरुजी हैं हमारे, हमारे पड़ोस में एक गुरुजी रहते हैं, उन्होंने कहा अच्छा अच्छा मैपिंग का पढ़ाओगे, ऐसे पढ़ाओगे बच्चों को छप जाए, किसी को दे दिया होगा हथौड़ा फोड़ डालो तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होगा, चल जाएगा ना, मैनेज कर लोगे ना, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिएगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं ना, सभी लोग खुश रहे हैं, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा खटर पटर आ रहा है तो सोचो मैं पढ़ा सकता हूं तो आप तो पढ़ सकते हो ना बच्चे, है कि नहीं? क्लियर क्लियर, चलो चलो ठीक ठीक। अब आइए, अब मैं आपके इसके फैक्ट रखता हूं, ठीक है? तो ये जो अफ्रीका महाद्वीप हम देख रहे हैं, यह दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, अर्थात जो विश्व में कितने महाद्वीप है, कितने महाद्वीप है, एनसीईआरटी में भी कल बताया था, तो जिसके जितने महाद्वीप हैं, तो जितने महाद्वीप हैं उसमें से ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। प्रश्न आएगा इससे बड़ा कौन सा है, तो वह है एशिया कॉन्टिनेंट। तो ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है जो स्थलीय भाग का 20% एरिया कवर करता है, अर्थात स्थलीय भाग का 20% हिस्सा आपको कहां देखने को मिलेगा, इस कॉन्टिनेंट में। तो एशिया जो कि पहले स्थान, पहले नंबर पर स्थान रखता है, उसके पास लगभग 30% क्या है, स्थलीय भाग है। तो विश्व का 30% स्थलीय भाग एशिया के पास, दूसरे क्रम पर आता है अफ्रीका जो कि पूरे विश्व के स्थलीय भाग का कितना, 20%, और ये पृथ्वी का
6% हिस्सा कवर करता है। तो पृथ्वी का अगर पूरी पृथ्वी, चूंकि हम स्थलीय भाग का बोल रहे हैं तो 20%, लेकिन पूरी पृथ्वी का सिर्फ 6% हिस्सा कवर करता है। एशिया जो कि पूरे विश्व के स्थलीय भाग का 30% हिस्सा कवर करता है। अगला जो फैक्ट है ना, वह है कि यह एकमात्र महाद्वीप है जिसका विस्तार चारों गोलार्ध में है। अब देखो, यह मैंने आपको अभी बताया, फिर से मैं आपको यहां पर बता देता हूं। तो इसका मतलब यह है कि यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो, यह है आपका इक्वेटर 0° अक्षांश रेखा, और यहां से एक लाइन और ले आइए इस तरह से, यह है 0° देशांतर रेखा। तो विषुवत रेखा के उत्तर का जो भाग है उसको उत्तरी गोलार्ध, विषुवत रेखा के दक्षिण का जो भाग होता है उसको दक्षिणी गोलार्ध, 0° देशांतर के पूर्व का जो भाग होता है उसको पूर्वी गोलार्ध, और पश्चिम वाले भाग को पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं। तो इस तरह से यह एकमात्र ऐसा जो है कि कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, जिसका विस्तार चारों ही आपको जो है कि गोलार्धों में देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या कीजिए, इसको देखेंगे तो यहां पर आपको पता चलेगा कुछ देश, जैसे यहां पर आइए और यहां पर देखेंगे तो आपको एक द्वीप क्षेत्र दिखाई देगा, साओ टोम एंड प्रिंसिपे। यहां पर देखिए विषुवत रेखा जहां से गुजर रही है उसको हाईलाइट कर दी, जहां से अफ्रीका महाद्वीप में विषुवत रेखा गुजर रही है उसको हाईलाइट कीजिए, और जब हाईलाइट करेंगे तो आप देखिए यहां पर मैं लोकेशन बता रहा हूं, यहां पर देखेंगे तो आपको मिलेगा साओ टोम एंड प्रिंसिपे, आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है, साओ टोम एंड प्रिंसिपे यहां पर देखने को मिलेगा। क्लियर? मिला भाई। अभी अमन जी पूछ रहे सर हम नोट्स भी बनाए, बिल्कुल बनाए, स्टार्टिंग से आए होते तो मैंने सब बताया था, इसीलिए कहा जाता है लेट मत किया करिए, इसीलिए कहा जाता है समय से आई, सब मैं बता चुका हूं कैसे कैसे करना है। तो यहां पर आइए, तो हमने कहा यहां पर एक लोकेशन देखिए साओ टोम एंड प्रिंसिपे, उसी के पास एक और देश देखिए गैबोन, गैबोन देखिए, मिला साओ टोम प्रिंसिपे, फिर गैबोन देखिए, फिर देखिए एक देश कांगो, कांगो सो देखिए, इन तीनों ही जगहों से विषुवत रेखा जा रही है ना, देख लीजिए सब लोग, हाईलाइट कीजिए इन देशों को। फिर देखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, दो कांगो हैं, इसकी राजधानी अलग है, इसकी अलग है, दो देश है, तो एक मिलेगा आपको कांगो, दूसरा मिलेगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मिलेगा लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य हिंदी में लिखा होगा। आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको यहां पर एक देश मिलेगा युगांडा, देखिए यहां पर आइए, देखिए ये रहा युगांडा, इससे लगा हुआ युगांडा मिलेगा, ठीक है, और युगांडा मिलेगा तो यहीं पर देखिए कीनिया भी आपको एक देश देखने को मिलेगा, लगा हुआ है कीनिया भी लगा हुआ है, और यहीं पर सोमालिया जो देश है, ये देखिए कीनिया और इस सोमालिया का ये वाला हिस्सा ये देख लीजिए, और यहीं पर देखिए आपको एक और झील भी मिलेगी विक्टोरिया झील। तो देखेंगे जो इक्वेटर जो गुजर रहा है वहां से आपका विक्टोरिया झील इसी विषुवत रेखा पर है, मिला सब लोग, देखिए स्लो बताएं सर जी, बिल्कुल स्लो बता रहे हैं बच्चे, देखिए सबसे पहले साओ टोम प्रिंसिपे देखिए, फिर गैबोन देखिए, फिर कांगो देखिए, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो देखिए, युगांडा देखिए, केन्या देखिए, और सोमालिया का दक्षिणी भाग देखिए, और यहीं पर विक्टोरिया झील देखिए। इन क्षेत्रों से होकर, इन देशों से होकर यह जो है कि हमारी विषुवत रेखा गुजर रही है। तो अब देखो विषुवत रेखा को याद करने की जरूरत नहीं कहां से, क्योंकि आपने क्या किया, अगर यहां पर ऐसे एक लाइन खींच दिया, इसको ड्रॉ कर दिया, तो बस अब आपका काम हो चुका है। अब आपको क्या करना है बाद में, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आउटलाइन मैप लेना, तो आउटलाइन मैप में इस तरह से ऐसे खींच देना, यहां पर एक नंबर साओ टोम प्रिंसिपे को, एक नंबर गैबोन को, दो नंबर कांगो को, तीन नंबर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो को, चार नंबर, इस तरह से सिर्फ नंबरिंग कर देना, और आपके पास इसी तरह का मैप बन जाएगा इस तरह का, और यही मैप आपके क्या आने वाला है, काम आने वाला है। बाकी सब बच्चों मोह माया है, बाकी कुछ भी साथ नहीं जाएगा, यही आपके साथ जाएगा। अब जो लोग स्टार्टिंग में नहीं जुड़े होंगे वो बाद में वीडियो को स्टार्टिंग से देख लेंगे कि मैंने आखिर ये क्या बताया था, कैसे करना है वो मैंने आपको बताया था।
ठीक है, चलिए अब देखो कुछ लोग ग्लोब में ढूंढ रहे हैं, कुछ वर्ल्ड के मैप में देख रहे हैं, तो अभी तो देखो कुछ कुछ चीजें आपको वर्ल्ड के मैप में दिख जाएंगी, ग्लोब में दिख जाएंगे, लेकिन जब हम इस महाद्वीप में अभी गहराई में उतरेंगे तो सभी लोकेशन नहीं मिलेगा, इसलिए एड्रेस लेना है लेना है लेना है, उसका कोई विकल्प नहीं है। क्लियर? अच्छा, अब हमने कहा कि जब हमने 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींच दिया तो अब थोड़ा सा 0 डिग्री देशांतर रेखा को भी आप खींचिए, और 0 डिग्री देशांतर रेखा को इस तरह से आप खींच दीजिए। जब इस तरह से खींचेंगे तो देखिए क्या अल्जीरिया से 0 डिग्री देशांतर रेखा खींची होगी, आपके एटलस में देखिए खींची गई होगी, उसको बस क्या करना है हाईलाइट कर दीजिए। तो देखिए क्या अल्जीरिया से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजर रही है कि नहीं, देखिए एक बार सब लोग, अल्जीरिया से गुजर रही है कि नहीं, और अल्जीरिया ये रहा, आपको दिख पाएगा यहां पर, मैं सब लोकेशन बताते चल रहा हूं, बस देखते चलिए, मिला जरूर मिलेगा। उसके बाद देखिए एक अगला देश देखिए माली, देखिए माली से होकर भी गुजर रहा है। ठीक है, यहां पर एक चीज ध्यान देना, मोरक्को से गुजर रहा है क्या, देखिए एक बार, अल्जीरिया के पास ही मोरक्को एक देश है। अभी सब देश देखेंगे, राजधानी देखेंगे, सब देखेंगे, अभी बस मैं केवल आपको ओवरव्यू दे रहा हूं उसको, क्या मोरक्को से गुजर रहा है? मोरक्को से नहीं गुजर रहा है, ध्यान देना, मोरक्को से नहीं गुजर रहा है, ध्यान दो, एटलस देखो, एटलस नहीं देखोगे क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे, मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, क्यों ऐसा चाहते हो, देखो एटलस, ये चैट बंद करो, इसमें कुछ नहीं रखा है, जो है यहां पर है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, अल्जीरिया फिर माली। ठीक है, आगे देखिए एक देश मिलेगा आपको, बुर्किना फासो। देखो यहां पर एक देश मिला बुर्किना फासो, यहां से भी ये गुजर रही है लाइन, बुर्किना फासो एक देश देखिए, बुर्किना फासो जरूर मिलेगा, और वहां से यह लाइन गुजर रही है, जरूर होगा। ठीक है, बुर्किना फासो हमने देख लिया, यहीं पर एक और देश देखिए, घाना, बुर्किना फासो के पास देखिए एक देश देखिए घाना, वहां से भी यह देश गुजर रहा है, और घाना की जो राजधानी है आक्रा, घाना की राजधानी देख लीजिए, ये रहा घाना देश, इसकी राजधानी कैपिटल यहीं पर है, देखिए आक्रा, क्या यह आक्रा के पास से होकर गुजर रहा है, क्या आक्रा से होकर यह 0 डिग्री देशांतर गुजर रहा है कि नहीं, मिल गया, मजा आ रहा है कि नहीं, बताओ, कुछ भी रटना पड़ रहा है, लाइन खींचना है, लोकेशन ढूंढना है। हम इस अफ्रीका को इतनी बार देखेंगे है ना, कि कोई आंख बंद करके कहे आप यहां पर खड़े हो, आप पूछना बताओ बस जाना तुम्हें किधर है, किधर की सैर कराएं तुमको, जैसे आप अपने गली मोहल्ले से परिचित हो ना, कोई आंख बंद, जैसे डिलीवरी करने कोई आता है आपको देने, आपने ऑनलाइन बनना है और आप घर में बैठे हो, उतरना नहीं चाहते हो, तो कहते भैया ऐसे मोड़ो, ठीक है ये दिखा, हाँ इधर से दाएं आ जाओ, इधर से बाएं आ जाओ, देखो सीढ़ी दिखी, गेट दिखा, चढ़ जाओ ऊपर, है ना, और हाँपते हुए आता, क्या एक गेट दिखा क्या, हाँ तो कहीं वहीं पर आके खड़े रहो, मैं आते हैं, बता लेते हो कि नहीं, ऐसे ही इस कॉन्टिनेंट पर भी आपकी पकड़ बनेगी, इस कॉन्टिनेंट पर भी इसी तरह से पकड़ बनेगी। ठीक है, चलो तो 0 डिग्री देशांतर रेखा हमने देख लिया। ठीक है, आगे घाना की राजधानी आक्रा, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा पर ही क्या है, इस तरह आपको देखने को मिलेगी। चलो ठीक है, इसके उत्तर में देखिए एक सागर है, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं इस कॉन्टिनेंट का, अभी तो हम अंदर प्रवेश भी नहीं कर सकते भाई, अभी हमें वीजा लेना होगा, आपको पता ना वीजा क्या होता है, जैसे अगर आप किसी दूसरे देश में जाएंगे तो ऐसा थोड़ी होगा मुंह उठाए और चल दिए, है ना, मैं वो लाइन नहीं बोलूंगा जो आदि पुरुष में बुलवाया गया है ना, तो ऐसा नहीं होगा कि हम चलो आज कहाँ जाना है, यूरोप जाना, चलो चल लेते हैं, बैठे फ्लाइट में चले गए है ना, और वहां पर एयरपोर्ट पर उतरे, अब वो पूछें क्यों आए हो, कहें घूमने आए, मन हमारा कहें बीजा कहाँ है, क्या ये क्या होता है, बीजा क्या होता है, तो बहुत मारेंगे वो सब,
कहें बीजा का मतलब कि भैया जब आप हमारे यहाँ पर आते हो ना तो किस लिए आए हो? तो कहें घूमने आए। तो कहें टूरिस्ट बीजा है तुम्हारे पास? कह नहीं। तो कहें वापस जाओ। कह रहे अरे हम बड़ा पैसा लगा के आए हैं, हम जमीन वमीन बेच के तब फ्लाइट का पैसा लिए, ये देखो हमारे साथ में कौन है, हम इनको कितना मना कर लाए हैं। वो कहेंगे देखो तुम्हारा मनना और मनाना अलग है, हम नहीं घुसने देंगे। वीजा का मतलब यह होता है कि आपको एक पेपर मिलता है कि जिससे आपको परमिशन मिलती है देश में अंदर जाने के, चाहे घूमना हो या रहना। अब वीजा अप्लाई कैसे करते हैं? वो एम्बेसी के माध्यम से करते हैं। जैसे मान लो आपको कनाडा जाना है तो कनाडा एम्बेसी जाओगे, आप वीजा अप्लाई करोगे, तो वो कुछ आपसे बेसिक सी चीजें पूछेंगे, क्यों जाना चाहते हैं, आप कनाडा के विषय में क्या जानते हैं, ताकि कुछ बेसिक जानकारी हो। तो अभी तो हमें क्या करना है, बेसिक जानकारी लेना है। तो बेसिक जानकारी जब ले लेंगे तभी तो हम वीजा ऑफिस जाएंगे, तभी तो कहेंगे हमें कॉन्टिनेंट में घुसने दो, तब वो हमें कॉन्टिनेंट में घुसने देंगे, है ना? क्लियर? एक लोग लिख रहे हैं सर मुझे भी जाना है सिंगापुर। अरे वाह क्या बात है सर जी, आपसे सब लोग व्हाट्सएप से जुड़े हैं हम। अरे भैया ये व्हाट्सएप कुछ नहीं, हमारी टीम ने बंद कर दिया है देखना, हम लोग नहीं चलाते व्हाट्सएप, जो है टेलीग्राम पर बच्चे, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। हम डिस्क्रिमिनेशन करें तो मतलब समझ लो नहीं, कभी नहीं, है ना? क्लियर? चलो आगे बढ़े। आईएएस के लिए क्या करना चाहिए सर जी? आईएएस के लिए डेली सुबह और शाम इस क्लास को शेयर कीजिए, है ना? और बीच बीच में रिजल्ट मित्र का नाम अपने दोस्त और साथियों के साथ शेयर बताया कीजिए, और यहाँ पर जो क्लासेस होते हैं उसको पढ़ा कीजिए, इसी से काम हो जाएगा। यहाँ पर एक स्ट्रेटजी की प्लेलिस्ट है, उसमें हमने बता रखा है किस तरह से पढ़ना चाहिए, कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए, सिलेबस क्या है, है ना, सब हमने बता रखा, उसको देख लीजिएगा। चल चल ठीक है। तो उत्तर में भूमध्य सागर आपको देखने को मिलेगा, दिख गया, और इसके उत्तर में आपको यूरोप वाला क्षेत्र देखने को मिलेगा। वहीं पूर्व में इसके हिंद महासागर, देखिए भैया हिंद महासागर है कि नहीं, हिंद महासागर। इधर की ओर आएंगे तो आपको अटलांटिक महासागर देखने को मिलेगा, ठीक है, देख लिया। अब देखो ये अटलांटिक महासागर ऐसे है पूरा, यहां तक है, और यहां पर भी देखो क्या अटलांटिक महासागर है क्या? क्या देखिए जो मैंने गोला बनाया, यहां पर अटलांटिक महासागर है क्या? सब लोग देखिए, उत्तर पश्चिम में लाल सागर, अरे अभी चलेंगे लाल सागर, चलेंगे सिनाई प्रायद्वीप, चलेंगे स्वेज कैनाल, सब देखेंगे, अभी रुक जाइए, है अच्छा। अब यहां पर देखिए, यहां से लेकर यहां तक अगर आपको आना हो, अर्थात अटलांटिक महासागर से अगर आपको जो है कि भूमध्य सागर आना हो, यहां पर देखिए कहीं स्वेज कैनाल है क्या? क्या कोई स्वेज कैनाल है क्या? स्वेज कैनाल है क्या? देखिए एक बार, सब लोग देखें, है क्या स्वेज कैनाल है यहां? अरे भैया सही है, यहां पर है जिब्राल्टर जल संधि, यहां पर है जिब्राल्टर जल संधि। कुछ लोग कह रहे हैं हाँ सर हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, है ना? इससे हमें पता चल जाता है कि नींद में हो कि जगे हुए हो। तो जब हम मतलब ऐसा नहीं कि सब यहां पर हमें सही बताएंगे, कभी कभी जानबूझकर झूठ बोलेंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा, कोई इसी वीडियो को देखे सर आप तो बड़ा गलत बताते हो, आप तो कह देते हो कि बृहस्पति पर है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चल तो यहां पर आपको मिलेगा एक जिब्राल्टर जल संधि, आपको यहां पर देखने को मिलेगा, और ये जिब्राल्टर जल संधि देख रहे होंगे क्या कर रहा होगा, यह अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर से जोड़ रहा होगा, दूसरी ओर यह यूरोप और अफ्रीका को क्या कर रहा होगा, अलग कर रहा होगा। तो यूरोप को क्या करता है, यह अफ्रीका से अलग करता है, है ना? अच्छा दूसरा, यहीं पर अब इसी के साथ इधर आइए, और इधर की ओर जब आप आएंगे यहां पर देखिए स्वेज कैनाल, यहां पर देखिए स्वेज कैनाल, यहां पर देखिए स्वेज कैनाल, ठीक है।
मिला स्विच कैनल, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, ठीक है, मिला। अरे वाह, कुछ लोग तो बता रहे हैं कब बनी, अरे वाह वाह वाह, मुझे नहीं पता अभी कब बनी, बनाएंगे स्विच कैनल को भी बनाएंगे, ठीक है, चले आगे बढ़े। यहां पर ये जो आप कॉन्टिनेंट देख रहे हैं, यहां पर देशों की जो संख्या है वह है 54, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई ये जो आप अफ्रीका महाद्वीप की बात कर रहे हैं इसमें कितने देश हैं, तो बताइएगा 54 देश हैं। और जो सबसे नया देश है वह है दक्षिणी सूडान। देखिए कहीं दक्षिणी सूडान है क्या? अब देखो ये भी मैप इन्होंने पुराना ही लगा रखा है, ये बढ़ चुका है, तो यह उत्तर वाला सूडान और इधर होगा दक्षिणी सूडान। यह इन्होंने हमारे टीम मेंबर ने भी है ना, इन्होंने भी क्या हुआ होगा, देखा होगा कि बच्चे इतनी लापरवाही कर रहे हैं, थोड़ा सा हम भी कर लेते हैं, तो दक्षिणी सूडान यहां पर मिल जाएगा, दक्षिणी सूडान मिला। स्लीपिंग मोड, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ा पाता हूं, और पहले तो तुम हिंदी में पढ़ते थे बच्चे, क्या हो गया तुमको? अभी कुछ दिन पहले तक तुम हिंदी में खूब पढ़ते थे, खूब चैट भी करते हो हिंदी में, पढ़ लो थोड़ा सा। माफी चाहता हूं, मैं मुझे नहीं आती बच्चे इंग्लिश, नहीं आती मुझे, ठीक है। तो दक्षिण सूडान, जैसा कि हमने कहा यह विश्व की में आबाद सॉरी क्षेत्रफल के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा स्थान रखता है, और जनसंख्या यहां पर कितनी है विश्व की, लगभग 16% आबादी। अब देखो पूरे विश्व का यह 20% एरिया कवर करता है, लेकिन जनसंख्या के मामले में यह क्या है, सिर्फ 16% हिस्सेदारी रखता है। इससे क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि यह कम जनघनत्व, जनघनत्व ठीक है, निम्न जनघनत्व वाला, यह क्या है, निम्न जनघनत्व वाला महाद्वीप है। तो अगर आपसे आगे चलकर हम ऑस्ट्रेलिया भी देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया भी देखेंगे, तो यहां पर देखेंगे तो जो एरिया के हिसाब से जनघनत्व हमें क्या होगा, कम देखने को मिलेगा। अब प्रश्न आएगा जनघनत्व का मतलब क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो प्रति एक वर्ग किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा, प्रति एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। जैसे अगर हम भारत के कुछ हिस्सों की बात करें तो प्रति एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या हजारों में है, और कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर प्रति एक वर्ग किलोमीटर में कम लोग रहते हैं, 17 व्यक्ति रहते हैं, जैसे हमारे यहां पर जो है कि अरुणाचल प्रदेश निम्न जन घनत्व वाला राज्य, बिहार को ले लें, पश्चिम बंगाल को ले लें, दिल्ली जैसे केंद्र शासित क्षेत्र ले लें, तो यह उच्च जन घनत्व वाले। तो यह जो महाद्वीप है निम्न जन घनत्व का है, और इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वह है यहाँ की जलवायु, वह है यहाँ की जलवायु। अब जलवायु क्यों, देखिए सब लोग देखिए यहाँ पर क्या सहारा मरुस्थल है क्या, यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल दिख रहा है क्या, सब लोग देखिए एक बार सहारा मरुस्थल। और जब कोई मरुस्थल होता है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर कृषि के विकल्प क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, वहां पर ढेर सारा अनाज का प्रोडक्शन होता है, बड़ी बड़ी मंडियां होती हैं, बहुत ज्यादा व्यापारिक कार्य होते हैं, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। मरुस्थल का मतलब यह है कि भैया वहां पर रहने योग्य कंडीशन नहीं, जैसे राजस्थान में जब आप जाएं तो क्या होगा, उच्च जनघनत्व मिलेगा, नहीं, उच्च जनघनत्व वहीं पर मिलेगा जहां पर आर्थिक कार्य या कृषि कार्य ज्यादा होते हैं। बिहार देख लीजिए, पश्चिम बंगाल देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, मुंबई देख लीजिए, जितने भी आप ऐसे क्षेत्र देखेंगे जहां पर लोगों के आजीविका के विकल्प हों वहां पर जनघनत्व ज्यादा होगा। तो यहां पर देखो सबसे उत्तर की ओर तो है सहारा मरुस्थल, फिर उसके बाद यह जो क्षेत्र है इक्वेटर के 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ, यहां पर घने जंगल, दलदली एरिया। अब बताओ घने जंगल है और दलदली भाग है तो कितने आदमी रहेंगे, खूब ढेर सारे लोग रहेंगे कि नहीं, खूब लोग रहेंगे। दलदल में क्या करेंगे, खूब मछली पकड़ेंगे, खूब चावल उपजाएंगे, खूब खाएंगे, ना ना ना, दलदली क्षेत्र में जनघनत्व नहीं होता ज्यादा, जंगल और जो दलदली और जंगली क्षेत्र है वहां जनघनत्व क्या होता है, कम पाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा दक्षिण की ओर आएंगे तो यहां पर और भी मरुस्थल मिलेंगे, यहीं पर देखोगे तो आपको एक कालाहारी मरुस्थल,
अभी बट सर्च मत करना, मैं बता रहा हूँ, कालाहारी मरुस्थल मिलेगा, यहीं पर देखोगे तो नामीबिया का मरुस्थल मिलेगा, अर्थात दक्षिण की ओर भी आएंगे तो आपको या तो यहां पर देखेंगे आपको पठारी क्षेत्र मिलेगा या बहुत बड़े हिस्से में मरुस्थल मिलेगा। तो उत्तर मरुस्थल, दक्षिण मरुस्थल, बीच में क्या है, दलदल और जंगल वाले क्षेत्र। जनघनत्व कहां ज्यादा होगा? जनघनत्व तो ज्यादा होगा नहीं। अरे बाप रे, अल्जीरिया कह रहे हैं, अल्जीरिया सबसे बड़ा देश, ये समझ में नहीं आया सर। मैंने समझा दिया क्या? मैंने समझाया था क्या अल्जीरिया समझाया था क्या? मैंने अल्जीरिया समझाया था क्या? और मैंने जब समझाया नहीं तो आपको समझ में कैसे नहीं आया? जब मैंने समझाया ही नहीं तो आपको कैसे समझ में नहीं आया, मैं ये जानना चाहता हूं। हाँ भैया, क्या करते रहते हो? ठीक है, क्लियर? चल चलिए, अब आते हैं अल्जीरिया। अब अल्जीरिया के क्षेत्र को देखिए, क्या इससे बड़ा कोई आपको देश दिख रहा है क्या? सूडान तो देखो डिवाइड हो चुका है, सूडान क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। और अगर आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को लेकर कंफ्यूजन हो रहा है तो बस इस सेकंड पोजीशन पर है, इस सेकंड पोजीशन पर। थोड़ा सा क्षेत्रफल का देखेंगे ना तो यहां पर अंतर दिखाई देगा। अल्जीरिया इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, ठीक है, इस महाद्वीप, ये नहीं लिखा है सबसे बड़ा विश्व का, नहीं लिखा है, विश्व की बात यहां पर नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा, सेशल्स है क्या, कहीं कोई देश है क्या सेशल्स? सेशल्स कहीं देश है क्या? इधर कहीं देखिए, कहीं सेशल्स इधर लिखा हुआ क्या, कोई द्वीपीय क्षेत्र है क्या? सेशल्स ढूंढिए एक बार। एक लोग लिख रहे हैं हमको सहारा नहीं मिला। अरे बाप रे, ऐसा मत कहिए, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आपको सहारा नहीं, भैया पॉलिटिकल मैप मत देखिए, नेचुरल मैप देखिए यहां पर। अच्छा, आप छोटी छोटी लोकेशन तो नहीं ढूंढ रहे हैं ना, ये बहुत बड़े ऐसे लिखा हुआ, सौ हा रा ऐसे बड़ा बड़ा सा लिखा होगा, बहुत बड़ा बड़ा सा लिखा होगा। एक लोग लिख रहे हैं कि सेशल हिंद महासागर में होगा शायद, शायद नहीं, देखिए देखिए, सब लोग ढूंढिए सेशल्स कहां है, देखिए उसकी लोकेशन देखिए। मिला? मिला सबको? मिला? यहां पर देखो, ये है तंजानिया, इससे इधर की ओर, इधर कहीं आइए, देखिए कहीं है क्या। तंजानिया से होते हुए पूरब की ओर आइए। मिला? अब मिला? मिला? एटलस में देखिए, यहां नहीं ढूंढना है, मिल गया। चलो गुड 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 गुड, छोटा सा है क्या, छोटा सा द्वीप है क्या? हाँ बिल्कुल। चल तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा देश तो अल्जीरिया, सबसे छोटा देश सेशल्स, जो देखेंगे तो लगभग इक्वेटर वाले आसपास क्षेत्रों में लगभग 8 से 9 डिग्री जो है कि दक्षिणी अक्षांश पर आपको देखने को मिलेगा। इक्वेटर के पास भी थोड़ा सा याद करने के लिए रख सकते हैं। इसमें आइए जो है कि नाइजीरिया एक देश है, यहां पर देखिए नाइजीरिया एक देश है क्या? नाइजीरिया एक देश है। तो नाइजीरिया यहां की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, सबसे बड़ा देश अल्जीरिया, सेकंड पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, सबसे छोटा देश सेशल्स, और एक यहां पर देश देखिए नाइजीरिया। मिला? जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, एटलस होगा जरूर मिलेगा, और अगर वर्ल्ड का मैप होगा तो उसमें भी सेशल्स लिखा होगा।
जो मैं लोकेशन बता रहा हूँ उसको आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए जरूर मिलेगा। मेडागास्कर के बहुत उत्तर में देखिए, तंजानिया के जो है कि पूरब में देखिए, जरूर मिलेगा। चलो अब देखिए नाइजीरिया मिला, तो नाइजीरिया क्या है, यहां पर जन घनत्व ज्यादा है, यहां पर जनसंख्या ज्यादा है। प्रश्न आएगा जन घनत्व क्यों ज्यादा है, तो आगे चलकर मैं आपको यहां की नदियों के विषय में बताऊंगा। यहां पर वर्षा भी पर्याप्त होती है, नदियों का भी जल ज्यादा है, और इस तरह से कृषि कार्य यहां पर ज्यादा होता है। जब कृषि कार्य ज्यादा होगा तो जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी। जहां पर आदमी का पेट भरता है वहीं पर क्या होता है, वंश भी बढ़ता है। जहां पर यहां पर जो अन्य क्षेत्र है जहां पर एग्रीकल्चर और अन्य एक्टिविटी नहीं हो पाती वहां पर निम्न जन घनत्व देखने को मिलेगा। दूसरा जो जनसंख्या में जो देश मिलेगा वह है मिस्र, इजिप्ट, मिस्र। तो जनसंख्या के मामले में सेकंड जो देश है वह यहां पर देखने को मिलेगा। अब ध्यान देना, यह एकदम उत्तर पूर्व में है। अगर मैं ऐसे इसको ऐसे कर लूं, यह नॉर्थ हो गया, यह साउथ हो गया, यह ईस्ट हो गया, यह वेस्ट हो गया। तो यह जो भाग है आपका यह उत्तर पूर्व में है, ठीक है। चल यह जो महाद्वीप है इसको कबीलों का महाद्वीप बोला जाता है, इसको कबीलों का महाद्वीप बोला जाता है, कबीलों का महाद्वीप। तो कबीले जो लोग होते हैं, जो जैसे हम और आपका भी संबंध किसी ना किसी कबीले से होगा, हमारा और आपका संबंध भी किसी ना किसी कबीले से होगा, होगा कि नहीं बताइए, होगा कि नहीं, होगा। अच्छा, जनजाति और कबीलों का, तो जो जनजातीय लोग होते हैं, कबीले में रहने वाले लोग होते हैं, उनको ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए क्या, सेटेलाइट छोड़ देंगे, सेटेलाइट छोड़ दें, है ना, जो है कि ऐसी गाड़ियां बुलेट ट्रेन बना लें, इनसे मतलब होता है नहीं। कबीले जो लोग होते हैं वो प्रकृति से जुड़े होते हैं, अपनी सीमित चीज़ों में खुश रहते हैं। तो यह जो महाद्वीप है, यह जो महाद्वीप है यहाँ पर 3000 से अधिक कबीलाई समुदाय है, और कबीलों के साथ एक चीज है, लड़ते रहते हैं आपस में। जैसे उन्होंने देखा सामने वाला कबीला मजबूत हो रहा है, पटक के मारो ठीक हो जाएगा, आपसी संघर्ष इनको देखने को मिलेगा। और कबीले समुदाय की जो साइकोलॉजी होती है वह अपने को बहुत ही सीमित करके चलने वाली होती है। तो इसी के कारण आप देखेंगे ना तो यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, अर्थात पूरे महाद्वीप के कुछ ही क्षेत्रों में औद्योगिकरण आपको देखने को मिलेगा। औद्योगिकरण, नगरीकरण और वैज्ञानिक विकास यहाँ पर बहुत कम हुए हैं। तो ना तो इनके पास मशीनें हैं, और जब मशीनें नहीं हैं, व्यापार नहीं है, कृषि कार्य नहीं है, तो इनके पास कैपिटल अर्थात पैसा भी नहीं है। अब कैपिटल और पैसा नहीं है तो फिर क्या करते हैं, यह महाद्वीप जो है कि काफी पिछड़ा हुआ, इसको बोला जाता है डार्क कॉन्टिनेंट। डार्क क्यों, क्योंकि ये पिछड़ापन है, डार्कनेस है यहां पर। ऐसा नहीं कि संसाधन नहीं है इनके पास, इनके पास बहुत से रिसोर्सेस हैं, इनके पास रिसोर्सेस की कमी नहीं, रिसोर्सेस तो इनके पास खूब भर भर के हैं, बस क्या होता है उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। क्योंकि आप खुद समझिए, भारत के पास कोयला हो या कोई खनिज हो, बहुत से खनिज, जैसे अभी आपने देखा कुछ समय पहले पता चला हम लोगों को राजस्थान में हमारे पास लिथियम बहुत है, पता चला था। जम्मू कश्मीर के विषय में आपने पढ़ा होगा, वहां पर लिथियम मिला, लेकिन हम लिथियम को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। अभी इतनी गहराई से लिथियम को निकालने की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, और जब नहीं है तो क्या होगा, हम चाहकर भी उसका प्रयोग नहीं कर। तो भारत भी टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे हुआ, पिछड़ा था, लेकिन अब अपने आप को डेवलप कर रहा है। लेकिन इस महाद्वीप के अधिकांश देश कबीले आपसी संघर्ष में, गृह युद्ध की कंडीशन। इस महाद्वीप में 54 देश, 54 देशों में से कम 44 देशों में आपको गृह युद्ध की कंडीशन। हर कबीला यह चाहता सत्ता उसके पास रहे, दूसरा जैसे ही जीतता गृह युद्ध चालू हो जाता, लड़ते रहो, जो कमाते हैं उससे हथियार खरीदते हैं। जैसे आप पहले के कबीले क्या होते थे, तीर धनुष और जो है कि अपने परंपरागत हथियारों से, अब इन लोग क्या करते हैं, AK-47 लेकर घूम रहे हैं, है ना, मशीन गन लेकर घूमते हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं टांग के लेकर गए। जैसे आपने देखा होगा
अब तो ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन पहले जिसके यहाँ बंदूक होते थे है ना, तो बाबू साहब या कोई भी है ना, जब जाते थे कहीं सब्जी लेने जा रहे हैं और बंदूक लेकर जा रहे हैं। हमारे पास, हमारे अंकल जी पास में रहते थे, मैंने उनसे एक दिन पूछ लिया, मैंने अंकल जी ये बंदूक लेकर क्यों जाते हो, सब्जी तो लेने जा रहे हो है ना, उससे क्या कम में दे देता है क्या सब्जी वाला। वो नाराज हो गए, चिढ़ गए, हमारे पापा से शिकायत कर दी, पापा ने हमको धर के धुन दिया कि चिढ़ाते हो उनको। तो मैंने, अरे मैंने कहा चिढ़ा नहीं रहा, मुझे लॉजिक तो बताओ, ये बंदूक लेकर क्यों जाते हैं। तो पता चला कि अरे भाई इस क्षेत्र में किसी के पास बंदूक नहीं है, और वो भी दो नली वाली बंदूक। हमने कहा अच्छा इसका भी माहौल होता है, तो हमने भी कसम खाई थी कि हम जब बड़े होंगे दो नाली वाली बंदूक लेंगे। और जब हम बड़े हो गए तो हमको लगता है ये बंदूक करना ही क्या है, ये बंदूक क्यों लेना है, ये तो खराब चीज होती है, ये झूठ मूठ का पैसा क्यों खर्च करना, बंदूक लेने से अच्छा है क्या करें, हम पैसा बच्चों पर खर्च कर दें, कुछ बच्चों का हो सकता है सपना पूरा हो जाए। तो माहौल बनाने के लिए बंदूक लेना थोड़ी जरूरी है। कुसुमदी जी लिखती हैं, सर आप शिक्षा के क्षेत्र में रिवोल्यूशन लाने के प्रयास में लगे हैं, इसलिए थोड़ा देर लगेगी सर, प्लीज पेशेंस बनाए रखिएगा। हाय दैया, हम मर जाएं, हम कहां पेशेंस छोड़ रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, पेशेंस सही कह रहे हो तुम, मैं समझ सकता हूं आपके भाव को और उसके लिए मैं धन्यवाद। लेकिन अगर मैं पेशेंस कितना भी रखूं, मेरे पास इतने भी रिसोर्स ना हो कि जो काम मैं ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूं, ये सभी चीजें आप तक पहुंचा रहा हूं, डेली 6000 रुपए का लगभग खर्च होता है, तो मैं कहां से पहुंचाऊंगा। मैं व्यक्तिगत तौर पर तो उपलब्ध हूं, बाकी चीजों का क्या होगा। मैं इसीलिए तो कहता हूं, ईश्वर ना करे कि मेरे पास संसाधन खत्म हो जाए, तब तक आप सेशन को शेयर करते रहो, आप हमें सपोर्ट करो। हम पैसे नहीं चाहिए बच्चे, आप खुद बताना, सही से बताना, मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया। आप में से कम 50 ऐसे बच्चे होंगे, या नहीं होंगे तो बाद में क्लास देखेंगे, जिन्होंने हमें पर्सनली व्हाट्सएप पर भेजा कि सर हम आपके इस नंबर पर अगर पेटीएम फोन पे कुछ भी चलना चाहता हो तो हम गुरु दक्षिणा के रूप में देना चाहते हैं। हमारी टीम ने एक ही मैसेज भेजा कि कृपया ऐसे मैसेज करके हमें दुखी ना करें, हमारी और आपकी मित्रता इसी तरह से चलती रहे, तो हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, पैसे की नहीं। और ये मैसेज एक नहीं, कम से कम 1500 लोगों को हमने भेजा है। पता है क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जिस रास्ते पर निकले हैं, हम और आप एक दूसरे का हाथ थामें और एक लंबी जर्नी तय करें। बस ईश्वर मुझे सक्षम बनाए, बस इतना चाहता हूं। इसीलिए सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दो, इसी बात पे कर दो, अरे दुष्टो कर दो। चलो प्रशांत उत्तर प्रदेश कह रहे हैं, सर आप झूठ बोल रहे हैं। का झूठ बोले, हे भगवान, हम का झूठ बोले जी। चलो ओके ओके ओके, ठीक ठीक, आई आई टॉपिक पर। तो हमने कहा इसको डार्क कॉन्टिनेंट के रूप में हम जानते हैं, और इसके डार्कनेस के पीछे, इसके पिछड़ेपन के पीछे सिर्फ जनजाति समूह नहीं, बल्कि यहाँ की क्लाइमेट अर्थात यहाँ का इतिहास। देखो पिछड़ेपन का एक कारण होता है इतिहास भी, ठीक है ना। तो इतिहास में क्या हुआ, अंग्रेज और यूरोप ये बड़े बड़े बहुत दुष्ट थे, ये बहुत दुष्ट थे। अंग्रेज आए और अंग्रेजों को इन लोगों ने देखा तो कहे देखो तुम डार्क कलर के हो क्या, हाँ तो तुमने पिछले जन्म में पाप किए थे, देखो हमको देखो कैसे चमकते हुए हैं। कहे हाँ बात तो सही, कहे हमारे हिसाब से चलो। कहे क्या करना है बाबू जी, कहे ऐसा है जितना भी अपना मिनरल्स है ना सब खोदो। कहे साहब हम कैसे खोदें, हमारे पास तो हथियार ही नहीं। कह रहे हम लेकर आए पूरे महाद्वीप का जितने भी मिनरल्स थे सब निकाल लिए, सोना चांदी जितना तांबा जो मिलता सब खोद ले गए। जैसे हमारे यहां से, जैसे भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था, अंग्रेज आए लूट के लेकर चले गए। तो यहां के इतिहास
यहाँ की कबीलाई जनजाति और उसकी सोच और उसके साथ इसका भूगोल भी इसके पिछड़ेपन का कारण है। कैसे भूगोल कैसे और अस्वस्थ जलवायु, अस्वस्थ जलवायु इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि जो सहारा मरुस्थल है एक्सट्रीम लेवल की गर्मी मरुस्थल है, आप देख सकते हो कितनी गर्मी यहाँ की एक्सट्रीम लेवल का जो है कि वर्षा गर्मी उमस यहाँ पर मरुस्थल, यहाँ पर मरुस्थल और पठारी क्षेत्र, तो जलवायु क्या हो गई दुष्कर। जैसे आप ही लद्दाख में जाके रह पाओगे, थार के मरुस्थल में रह पाओगे, जो है कि सुंदरबन डेल्टा में रह पाओगे, नहीं रह पाओगे ना, तो यह भी क्या है इसके पिछड़ेपन का कारण है। संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद दोहन नहीं, अर्थात अब जो अंग्रेज तो लूट कर लेकर गए उसके बाद भी ये क्या कर सकते थे, यहां पर डेवलपमेंट कर सकते थे, लेकिन डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, साइंस टेक्नोलॉजी कैपिटल और उसको एक्सपोर्ट करने अर्थात उसका ट्रेड करने की कैपेसिटी। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी जो हमने एग्जांपल बताया सब्जी लेने जा रहे हैं, सब्जी लेने किसे जा रहे हैं, AK-47 से। पहले ये क्या करते थे, जानवरों का शिकार दौड़ा के करते थे, अब ये क्या करते हैं गाड़ी से जाते हैं है ना, और मशीन गन लेकर जाते हैं, दुख 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 मार के गिरा दिया। इसका मतलब क्या, पैसे का गलत यूटिलाइजेशन यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी का पिछड़ापन, घने वन एवं आपसी संघर्ष, इसको इन सभी कारण इसको क्या कर देते हैं, डार्क कॉन्टिनेंट अंध महाद्वीप बना देते हैं। तो अंध का मतलब ही नहीं अंधेरा रहता है, अंध का मतलब ही नहीं कि यहां पर डार्क कलर के लोग रहते हैं, अंध का मतलब है कि यहां पर पिछड़ापन है। एक सेकंड दीजिए, थोड़ा पानी पी लेने दीजिए, पानी पी लेने दीजिए। सर यहां पर कौन सा मानसून पाया जाता है, आएंगे भैया अभी आएंगे मानसून पर भी आएंगे, हमें पता है आप लोग बहुत जगह से कोई ना कोई फैक्ट लेकर घूम रहे हो, जब तक मैं नहीं बता दूंगा तब तक आपके कलेजे को ठंडक नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं क्या करूं, धीरे धीरे बढ़ना होगा ना, समझ समझ के पढ़ना होगा ना। चलिए आगे, अगला जो हमारे इस कॉन्टिनेंट के विषय में जानना है वो है कि 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 34 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य इसका विस्तार है। तो इधर देखिए, इधर देखिए कहीं 30 डिग्री अक्षांश रेखा जाती है क्या, यहां पर देखिए कहीं ऐसे 30 डिग्री अक्षांश रेखा खींची गई है क्या, इधर भी देखिए कहीं 30 डिग्री अक्षांश रेखा खींची गई है क्या। तो यहां पर लिखा है 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 34 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच, अच्छा ये 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश है नॉर्थ है और ये 34 डिग्री कौन सा है साउथ है ना, तो 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 34 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में इस महाद्वीप का क्या है अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, अब यहां पर देखो एक फैक्ट बनता है, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, एक लाइन पूछा जाता है जो सबसे डिफिकल्ट प्रश्न बनेंगे उसके लिए, कि इक्वेटर से उत्तर की ओर भी उतना ही विस्तार है जितना दक्षिण की ओर, तो अगर यहां पर लगभग शब्द ना जुड़ा हो तो ये गलत है, क्योंकि आप देखिए इक्वेटर से जब 37 डिग्री उत्तर की ओर जाएंगे तब आपको इसका और सबसे नॉर्दर्न पॉइंट मिलेगा, वहीं दक्षिण की ओर आएंगे तो 34 डिग्री पर, अर्थात यहां पर जो डिफरेंस है वो 3 डिग्री अक्षांश का है। लेकिन अगर लगभग लगा दे कि इक्वेटर इस महाद्वीप को लगभग दो भागों में डिवाइड करता है तो ये सत्य है, ये क्या है सत्य लाइन है। कुलदीप जी धन्यवाद, कुलदीप जी धन्यवाद,
सर इन देशों की सीमाएं बिल्कुल सीधी क्यों हैं जी? अभी बताएंगे जी, अभी बताएंगे, हमें पता है आपको इफेक्ट पता है जी, आपको इसका उत्तर भी पता है जी, हम बताएंगे जी, थोड़ा समय दीजिए जी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, और कर्क रेखा यहां पर देखिए, इसको मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, ठीक है, ये रहा कर्क रेखा, ये रहा इक्वेटर, और यहां पर है आपका मकर, सॉरी ये मकर रेखा है ना, माफी चाहता हूं, ठीक, मकर रेखा है ना, इक्वेटर और कर्क रेखा। तो अब यहां पर जो पॉइंट है, इस महाद्वीप का जो सर्वाधिक विस्तार है वह किस में आता है? उष्णकटिबंध में। हमने आपको बोला था कि कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच वाला जो भाग है उसको क्या बोला जाता है? उष्णकटिबंध बोला जाता है। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों इस महाद्वीप से होकर गुजरते हैं और इसके बीच उष्णकटिबंधीय जलवायु विकसित होती है। तो अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए, उष्णकटिबंधीय जलवायु का सर्वोत्तम विकास किस महाद्वीप में होता है, आपके पास ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही है, क्या दक्षिण अमेरिका से क्या ये तीनों रेखाएं गुजर रही थी? क्या दक्षिण अमेरिका से तीनों रेखाएं गुजर रही हैं? नहीं। क्या ऑस्ट्रेलिया से गुजर रही हैं? बिल्कुल नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए, निम्न महाद्वीपों में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय जलवायु का सर्वोत्तम विकास, यही फैक्ट है, आप पूछ लेना 2-3 लाख की कोचिंग वाले बच्चों से। और देखो कुछ फैक्ट नहीं, कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय जलवायु में कई बार आपको समझा चुका हूं। ये देखो, यहां से लेकर आज सुबह की क्लास में भी मैंने आपको बताया था, यहां तक ये पूरा यहां पर जो विकसित क्षेत्र है इसको बोलते हैं उष्णकटिबंध, और इसका सबसे आइडियल कंडीशन हमें कहां दिखती है? यहां पर दिखती है, ठीक है। चलो, मॉरिटेनिया, माली, अल्जीरिया, और अच्छा कर्क रेखा देखिए कम किन किन देशों से गुजरती, एक एक को कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पर कर्क रेखा, अब कर्क रेखा को हाईलाइट कीजिए, जैसे हम लोगों ने इक्वेटर पर स्थित देशों को देखा है ना, 0 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित देशों को देखा, अब यहां पर भी देख लीजिए, ठीक है, यहां पर देखिए। तो सबसे पहले आप देखिए इधर, क्या यहां पर आपको जो है कि एक देश वेस्टर्न सहारा दिख रहा है? क्या पश्चिमी सहारा एक देश दिख रहा है? सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं 12th पास हूं मैं, ट्वेल्थ पास हूं। कोई दिक्कत, इससे कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, अभी देंगे बीए फर्स्ट ईयर में, हाँ 2 महीने बाद पेपर है मेरा, बीए फर्स्ट ईयर का पेपर दो, क्लियर, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या मिला? यहां पर वेस्टर्न सहारा मिला, अच्छा। उसके बाद एक देश देखिए, मॉरिटेनिया है क्या? मॉरिटेनिया वेस्टर्न सहारा के जस्ट पूरब में, देखिए ठीक है, क्लियर। एक लोग, सर मुझे नहीं समझ में आता है, बिल्कुल क्यों, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं उसको कर लो बच्चे, बिल्कुल आएगा है ना, बिल्कुल आएगा, एक तरफ से करो, जैसे स्टार्टिंग से अगर आज आपने ज्वाइन किया, स्टार्टिंग से बिना एक भी सेकंड लेट किए, तो मैंने आपको आज पूरा तरीका बताया, जैसे जैसे बताया उसको बस फॉलो करो, छप जाएगा दिमाग में, द ग्रेट गंभीर, आपको धन्यवाद, आपके धन्यवाद, ठीक। चलिए, तो हमें मिला एक देश, मिला वेस्टर्न सहारा, पश्चिमी सहारा लिखा होगा, फिर मिला हमें एक देश मॉरिटेनिया, फिर देखिए माली जो देश है, क्या इसका उत्तरी हिस्सा लगता है क्या? माली देश का उत्तरी हिस्सा उससे होकर देखिए जा रहा है क्या? कर्क रेखा उससे जा रही है क्या? जरूर जा रही होगी, हाईलाइट कीजिए,
मैंने आज इस क्लास में बताया बच्चे नोट कैसे बनाएं, इसका मैंने इस क्लास के स्टार्टिंग में बताया था, फिर बार बार वही रिपीट करूंगा तो फ्लो ब्रेक होता है। आप देख लीजिए, इस क्लास में बताया मैंने कैसे नोट करना है, क्या करना है, सब बताया मैंने, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देख लिया पश्चिमी सहारा, देख लिया मॉरिटेनिया, देख लिया जो है कि माले देख लिया। अब इसी के पास देखिए अल्जीरिया भी है, क्या अल्जीरिया से भी कर्क रेखा जा रही है, अल्जीरिया से भी कर्क रेखा जा रही है, जा रही होगी, ठीक है, जा रही होगी। फिर देखिए क्या ये नाइजर के उत्तरी पॉइंट को टच करती है, क्या क्या ये नाइजर के उत्तरी भाग से होकर जा रही, नाइजीरिया नहीं बोला मैंने, नाइजर बोला, ध्यान दीजिएगा, नाइजर के उत्तरी भाग से होकर जा रही है, क्या जा रही है, जरूर जा रही होगी, ठीक है, मिला नाइजर। नाइजर के बगल में देखिए चाड है, चाड के उत्तरी भाग से होकर जा रही है, नाइजर के उत्तर में देखिए चाड है, उसके उत्तरी हिस्से से होकर जा रही है, ठीक जा रहे। एक और देश देखिए, देखिए लीबिया के दक्षिणी हिस्से को टच करती है, ये लीबिया के दक्षिणी हिस्से को टच करती है, लीबिया के दक्षिणी हिस्से को टच करती है। आज पता है आपको, आज पॉलिटी एनसीईआरटी की क्लास स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल बेसिक से पॉलिटी एनसीईआरटी, किस क्लास की, एट्थ, ठीक। उसके बाद देखिए मिस्र, इसके बाद देखिए मिस्र, तो हमें क्या पता चला, वेस्टर्न सहारा एक देश, मॉरिटेनिया दो देश, माली तीन, छह अल्जीरिया चार, नाइजर पांच, चार छह, लीबिया सात और इजिप्ट आठ। अच्छा एक बार बताओ, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है, कितने राज्यों से जाती है भारत में कर्क रेखा, द ग्रेट गंभीर। भैया देखो किताब पढ़कर मत आना कभी मेरी क्लास में, और किताब पढ़ना भी नहीं चाहिए, पहले क्लास कीजिए उसके बाद किताब पढ़िए। बाकी किताबों का हमने एक वीडियो बना रखा है, जिन लोगों को किताब कौन सी पढ़नी चाहिए उसका एक वीडियो है, स्ट्रेटजी के प्लेलिस्ट में जाइए तो मैंने किताबों का नाम बता रखा है, दिखा रखा है, पब्लिकेशन राइटर सब, सिलेबस का भी वीडियो बना रखा है, आईएएस की तैयारी कैसे करना चाहिए वो भी वीडियो बना रखा है, ऑप्शनल कैसे चुनना चाहिए सब है स्ट्रेटजी की प्लेलिस्ट में, वहां देख लीजिएगा। तो आपने बताया आठ राज्यों से, अब देखो क्या होता है इंटरनेशनल लैंग्वेज में देशों को, देशों को है ना राज्य ही बोला जाता है, जैसे इंटरनेशनल लैंग्वेज में भारत क्या है, एक राज्य है ना, जितने भी देश हैं वो राज्य हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा भी क्या है एक राज्य, सभी जो देश हैं वो राज्य हैं। अब यहां पर मेरा पॉइंट समझिएगा, आपसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि अफ्रीका महाद्वीप के कितने राज्यों से, कितने राज्यों से यहां पर कर्क रेखा जाती है, तो वहां पर बिल्कुल भी परेशान मत होना, राज्य जब हुआ इंटरनेशनल लैंग्वेज में यूज करेगा तो वहां का मतलब है देश, तो आपको लगेगा आठ उसने दे दिया है तो आप कंफ्यूज हो जाओ कहीं कि नहीं आठ तो नहीं होगा, ये तो हमारे देश में राज्य गुजरते हैं, यहां के राज्यों की तो बात हो ही नहीं रही, वहां पर तो पता नहीं कितना होगा, एक ऑप्शन होगा आठ, एक होगा बीस चालीस पचास साठ, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़े, मकर रेखा आप देखिए यहां पर आइए दक्षिण की ओर, मकर रेखा देखिए, मकर रेखा, मकर रेखा देखिए। चल अगर हम मकर रेखा देखें तो मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, एक तरफ से देखिए
क्या इधर देखिए कोई नामीबिया देश है क्या? क्या इधर देखिए कोई नामीबिया देश? अभी तो सोच रहे हो हम कॉन्टिनेंट का सिर्फ ब्रीफ कर रहे हैं, तब ये हाल है। जब हम पूरा महाद्वीप करा देंगे तो देखना कैसे छप जाएगा पूरा। नामीबिया एक देश है क्या? देखिए अच्छा आगे की ओर बढ़िए, देखिए एक देश मिलेगा आपको, बोत्सवाना मिला क्या? बोत्सवाना मिला क्या? जरूर मिलेगा, बोत्सवाना मिला। अच्छा देखिए यहां पर एक देश और मिलेगा, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के उत्तरी हिस्से से देखिए होकर जा रही है क्या? साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका देश के उत्तरी हिस्से से होकर जा रही है क्या? जा रही है। अच्छा फिर देखिए एक देश मोजाम्बिक, यहां पर देखिए एक देश देखिए, ये रहा मोजाम्बिक। मोजाम्बिक ये देखो दक्षिण में यहां से जाता है, और यहां पर एक और देश देख लीजिए मेडागास्कर। मेडागास्कर मिला, चलो ओके ओके चलिए। यहां पर अब देखिए यहां ये लिखा है कि इस महाद्वीप का अधिकांश भाग क्या है? उष्णकटिबंध में है। हमने आपको बताया कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को बोलते हैं उष्णकटिबंध, और उष्णकटिबंध सूर्य की जो किरणें हैं वह यहां से लेकर यहां तक क्या होती हैं? आती हैं जाती हैं। जैसे आप एक टॉर्च लो और टॉर्च को ऐसे पकड़ो, उसको ऐसे यहां तक लाओ, फिर यहां तक ऐसे लाओ। अब देखो जितने एरिया में आप टॉर्च को बार बार घुमा रहे हो उतने एरिया में क्या होगा? रोशनी पड़ेगी। जैसे आपने मूवी वगैरह में देखा होगा जेल से कैदी ना भाग जाए तो उसके लिए क्या करते हैं? एक गार्ड को खड़ा कर देते हैं, वो उस एरिया में उस टॉर्च को वो देखता रहता है। तो टॉर्च के फोकस एरिया में जितने भी क्षेत्र आएंगे वहां पर प्रकाश होगा। ठीक इसी तरह से आपको पता है कि यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो सूर्य की किरणें हैं, मैं एक बार फिर से एक मिनट में आपको बता दूं, यह जो इक्वेटर है यहां पर 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें यहां पर लंबवत होती हैं, वहीं 21 जून को सूर्य की किरणें यहां पर लंबवत होंगी। अब आप कहोगे सर 21 जून को अफ्रीका में सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं? हाँ सर भारत में नहीं होती। आज एक बच्चे ने सुबह सुबह यही मैसेज भेज दिया कि सर वो लोग वहां पर कह रहे हैं कि उनके यहां भी आज बड़ा दिन है। तो हमने कहा सभी जगह पर बड़ा दिन होगा जहां पर भी कर्क रेखा होगा। खैर और 22 दिसंबर को यहां पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं। अब होता क्या देखिए, 21 मार्च के बाद 21 जून तक सूर्य की किरणें यहां पर आएंगी, फिर यहां से लौटेंगे। कब लौट जाएंगे? 23 सितंबर को यहां पर आ गई, 23 सितंबर से 22 दिसंबर को यहां पर आएंगे, और 22 दिसंबर से लौटते 21 मार्च तक यहां आ जाएंगे। तो इस क्षेत्र में ही क्या होता है, सूर्य की किरणें ऐसे ऐसे लंबवत होती रहती हैं, तो यहां पर प्रकाश क्या होगा? ज्यादा होगा। प्रकाश जहां ज्यादा होगा, ध्यान दीजिएगा, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर गर्मी ज्यादा पड़ेगी, और गर्मी जब ज्यादा पड़ेगी तो उसका परिणाम क्या होगा? बाष्पीकरण अधिक होना, और जहां पर इतना बाष्पीकरण हो जाए कि वो वर्षा करवा सकता है तो क्या हो जाएगी? वर्षा हो जाएगी। वही चीज यहां पर लिखा है कि वर्ष भर इस महाद्वीप का अधिकांश भाग वर्ष भर ऊंचे तापमान वाला रहता है। आप कहोगे कि सर आप गलत बता रहे हो, अभी गलत बता रहे हो। मैंने कहा क्या गलत बताया? तो कहा सर यहीं तक तो गर्मी पड़ेगी, ये वाला भाग तो बहुत ठंडा। अरे नहीं बच्चे, यहां पर भी सहारा मरुस्थल है, और जब सहारा मरुस्थल है तो गर्मी ज्यादा पड़ती है। यहां पर भी ठंड नहीं पड़ती, यहां पर उस तरह की ठंड नहीं पड़ती जैसी कि दिल्ली और आप अपने क्षेत्रों में देखते हो। ठीक है आगे, समशीतोष्ण जलवायु दक्षिण में एवं पर्वतीय भागों में ही पाई जाती है। अब देखो क्या होगा, ये है आपकी मकर रेखा। तो मकर रेखा से जब इधर की ओर आओगे तो जो समशीतोष्ण जलवायु वो कहां पाई जाती है? 30 डिग्री अक्षांश के पास पास।
30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री। तो यहाँ पर एक छोटा सा आपको क्षेत्र मिलेगा जहाँ पर समशीतोष्ण जलवायु पाई जाएगी और यहाँ के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में ही ठंडा क्लाइमेट मिलेगा, अदरवाइज पूरा कॉन्टिनेंट क्या है, गर्म है। और आपको पता है जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ के लोगों का कलर क्या होता है, डार्क। जैसे दक्षिण भारत के लोगों का कलर क्या होता है, डार्क होता है, है ना। एक बच्चा जो है कि जब हम ऑफलाइन पढ़ा रहे थे तो एक बच्चा आया, उसने कहा कि सर मैं अपनी पर्सनालिटी का मल्टी डायमेंशनल विकास करना चाहता हूँ। तो मुझे लगा कि कुछ पढ़ाई लिखाई की पूछे, मैंने कहा ठीक। तो उसने कहा सर मैंने जीएस ए पढ़ लिया, जीएस ओ पढ़ लिया, एक क्लास खत्म। मैंने बहुत अच्छा, बहुत। उसने कहा सर मैंने अपनी हॉबी में इन सब चीज़ों को जोड़ लिया, ए कर लिया, मैंने बहुत अच्छा। फिर उसने कहा सर मुझे पहले से ये चीज़ें आती हैं। मैंने कहा क्या बच्चा है। उसने कहा सर एक बात बताओ, आप पढ़ाते हो, आपके पहचान के डॉक्टर भी होंगे। तो मैंने कहा ये डॉक्टर भी बनेगा क्या अब, आईएएस की तैयारी करते करते। तो मैंने बताइए क्या मदद करवा सकता हूँ। उसने कहा सर हमें एक चीज़ पता करना है। हमने कि क्या, हमने कहा क्या पता करना है सर, गोरे कैसे हो सकते हैं। मैंने अरे बच्चे तुमने झूठ मूठ की इतनी भूमिका बनाई, हमसे डायरेक्ट ऐसे पूछे सर गोरा होना हम क्या करें, हम बता देते आपको। तो हमने कहा कुछ मत करो, हमने कहा कश्मीर लद्दाख नाम सुने हो। हाँ सर सुने, चले जाओ। मैंने कहा, मैंने कहा वहीं जाओ, वहीं पर रहना 10-20 साल, गोरे हो जाओगे। क्या सर कैसे पता आपको। हमने कहा देखो क्लाइमेट का असर होता है, यहाँ के लोगों के ऊपर गर्मी का प्रभाव है और ज़्यादा गर्मी में हमारी बॉडी में देखो क्या होता है, हार्मोन्स और एंजाइम है हम लोग, तो उसी प्रकार के हार्मोन्स और एंजाइम का एक्सक्रीशन उत्सर्जन होता है जो हमारे बॉडी के कलर को प्रभावित करता है। कहें अच्छा सर। हमने कहा अब मुझे लग रहा है वो बच्चा जम्मू कश्मीर ही गया होगा या लद्दाख ही गया होगा, क्योंकि बहुत दिन से उसका मैसेज आया नहीं। मुझे लग रहा है वो अपनी मल्टी डायमेंशनल जो पर्सनालिटी का विकास वो तभी करके लौटेगा जब एकदम गोरा हो जाए। अब देखते हैं कब आता है वो। ठीक है चलो। तो यहां पर जो समशीतोष्ण जलवायु है वह दक्षिण और पर्वतीय क्षेत्र में ही पाई जाएगी, महाद्वीपों के पूर्वी भाग में अधिक वर्षा। अब देखो मैंने आपको, और इसीलिए मैंने कहा था कोई क्लास स्किप किए गया पानी सब बर्बाद। जो लोग क्लाइमेटोलॉजी की क्लास में नहीं आते हैं उनको इतनी दिक्कत होने वाली आगे, उन खोपड़ी पकड़ के बैठेंगे। तो क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान वो ऐसी क्लास है जिसको आपने मिस किया है और जरूर किया है, उसको एक तरफ से देखना चालू कर दो, नहीं तो पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, फेल होकर मानोगे। मैंने आपको क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाते हुए बताया था ये हमारी पृथ्वी, और हमारी पृथ्वी पर जो हवाएं चलती हैं उन हवाओं का एक निश्चित पैटर्न है। यह जो इक्वेटर है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और यह आपका 30 डिग्री नॉर्थ, ये 30 डिग्री साउथ। यहाँ पर जो पौने चलती हैं ये पौने हैं व्यापारिक पौने, और इसी दिशा में क्यों चलती हैं, इनके चलने का क्या कारण है, इस सब मैं वहाँ पर बता चुका हूँ, अब यहाँ नहीं बताया। तो यह जो क्षेत्र है 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ का, यहाँ पर जो पौने चलती हैं व्यापारिक पौने, और व्यापारिक पौनों की दिशा क्या होती है, ये देखो ये जो पौन है इसको मान लो, ये वाला पौन ये कैसे चलेगी, ये ऐसे आ रही है, ऐसे ये ऐसे हो जाती है, ये वाली जो पौन है ये ऐसे आगे बढ़ी, ऐसे आगे। इसका मतलब है कि ये पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर आगे बढ़ती। क्लियर, जितने लोग क्लाइमेटोलॉजी में आए होंगे, तो आप जिस पूर्वा पौन को जानते हैं वो 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के, है ना, बीच में यहां से लेकर यहां तक चलती है, वो किधर चलेगी, इक्वेटर की ओर। अब यहां पर ध्यान देना, इस महाद्वीप का जो टोटल विस्तार है, अधिकांश जो विस्तार है ये 30 डिग्री नॉर्थ हो गया, ये 30 डिग्री साउथ हो गया, इसी के बीच में तो है। तो यहां पर भी जो पौने चलेंगी, यहां पर
जो पौने चलेंगे ऐसे इक्वेटर की ओर आएंगे, ऐसे इक्वेटर, और इधर की ओर ये ऐसे इक्वेटर की ओर आएंगे। तो यहाँ जो पौने चलेंगे कौन से चलेंगे? व्यापारिक पौने। और व्यापारिक पौनों की दिशा क्या होती है? पूरब से, ये पूर्वी, और ये किधर जा रही है? पश्चिम की ओर। इधर क्या है? पश्चिम। अब देखो जब ये पौने इधर आएंगी तो यह जो किनारे वाला भाग है यहीं पर क्या करेंगे? ज्यादा वर्षा करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी नमी लेकर आई है। जैसे आप सब लोगों ने भंडारे में भोजन किया होगा, है ना, पांत में बैठकर, लाइन में बैठकर, और आपने एक चीज नोट किया होगा, जो रायता देने आता है, जो लस्सी देने आता है, या जो पानी पिलाने आता है, अब आपने खाना खा रहे हो, है ना, खाना खाते खाते यहां तक आपने नली भर ली, अब आपने देखा पानी वहां से चला, अब आपको टेंशन ये नहीं है कि कब तक आएगा, टेंशन इस बात की रहती है कि वहां तक आते आते पानी खत्म हो जाएगा, और फिर वो लेने जाएगा पानी तो वहां के लोग फिर से मांग लेंगे और आप तक नहीं पहुंच पाएगा। ये होता है, ये होता है। ठीक इसी तरह से जब इधर से आने वाली पौने नमी लेकर आएंगी जो वर्षा करवा सकती हैं, तो सबसे पहले यहीं पर क्या करेंगे? वर्षा करवा देंगे। अब बताओ वर्षा उन्होंने करवा दिया तो उनकी जेब क्या हो चुकी है? खाली। वह उनकी जो बाल्टी है वो हो चुकी है खाली। क्या यहां तक पहुंचते पहुंचते क्या ये वर्षा करवा पाएंगे? क्या क्या ये वर्षा करवा पाएंगे? करवा पाएंगे? तो अगर अब आपसे कोई पूछे अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में वर्षा ज्यादा क्यों, तो उसको यही एग्जाम्पल देकर समझा देना, तुरंत समझ जाएगा, है कि नहीं? एक भैया जी इसी क्लास में थे, कुछ दिन पहले की बात है, आप लोग भी रहे होंगे। एक भैया हमसे नाराज हो गए, कहा गुरुजी इतने एग्जाम्पल देते हो, चुपचाप पढ़ाया नहीं जाता तुमसे। हमको बड़ा दुख हुआ, उनको क्या पता हमने कितनी मेहनत से ये एग्जाम्पल ढूंढे थे। हम डिप्रेशन में चले गए, घर पे गए, माता पिता और सभी लोगों को बुलाया, हमने कहा हम डिप्रेशन में हैं। उन्होंने कहा क्यों डिप्रेशन में हो, अच्छा कर रहे हो, बच्चों का प्यार मिल रहा है तुमको, कुछ ही बच्चों का मिल रहा हो दूसरी बार, लेकिन प्यार तो मिल रहा है। अरे हमने कहा वो बच्चा कह रहा था कि एग्जाम्पल मत दिया करो, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं एग्जाम्पल ही तो तुम हो, तुम्हारे पास और है ही क्या, एग्जाम्पल ही तो है। तुम याद करो कितनी मेहनत से तुमने एग्जाम्पल बनाए थे, मेरे पास एक डायरी एग्जाम्पल की। तो हमने कहा अच्छा, तो घर वालों ने भरोसा दिलाया। अब बताओ एग्जाम्पल ठीक, एग्जाम्पल से चीजें दिमाग में जाती हैं कि नहीं, बताओ। चलो आगे बढ़े। ओके, तो कहाँ थे हम लोग, कहाँ थे? हाँ ठीक, तो महाद्वीपों के पूर्वी भाग में अधिक वर्षा और पश्चिम में कम, है ना। महाद्वीप का जो अधिकांश भाग है वह व्यापारिक पवन की पेटी में आता है। तो अभी जो मैंने बताया ना, ये वाला ऐसे, ये व्यापारिक पवन की पेटी है। पेटी का मतलब वह क्षेत्र जहां पर पौने चलती हैं, तो यहीं पर चलती हैं, इसीलिए पूर्वी भाग में वर्षा करती हैं। चल अब देखो यहां पर क्या करना है, एक चक्कर लगाना है। अब हम इस महाद्वीप की कुछ बेसिक चीजों को समझ पाए। अब हमें क्या करना होगा, हमें यहां पर एक चक्कर लगाना है। लेकिन चक्कर लगाने के क्रम में क्या होगा, हमें कई बंदरगाह मिलेंगे, कई द्वीप मिलेंगे, है ना, कई इंपॉर्टेंट लोकेशन मिलेंगे, और उनका संबंध होगा देशों से। तो अब हम क्या करेंगे, एक तरफ से देशों को देख लेते हैं, देशों को देखने के साथ उनकी राजधानियों को देख लेते हैं। याद नहीं करना है, सिर्फ इसलिए देख लो ताकि आगे चलकर मैं जैसे कहूं आपसे, मान लो मैं आपसे कहूं आइवरी कोस्ट कहां पर है, मैंने कहा कि यह आइवरी कोस्ट जैसा है, अरे तो भैया आपको पता तो होना चाहिए आइवरी कोस्ट का। मैं आपसे कहूं सियरा लियोन क्या है, तो आप सियरा लियोन यहीं पर ढूंढो, कहीं और पर ना ढूंढो, है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? इसी तरह से मैं कहूं कि आपको ब्रुंडी देखो, तो भैया बुरुंडी कहां पे है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अब हम क्या करते हैं, एक चक्कर लगा लेते हैं।
क्लियर। एक लोग लिखने सर थक गए प्लीज, ये भगवान तुम लोग किस माटी के बने हो जी, हाँ किस माटी के बने हो। हम जब से आए हैं एक गिलास पानी हमने पिया, सुबह से दो क्लासेस ले चुके, हम चिल्लाकर बोल बोल कर हमारा मुंह दर्द करने लगा, मुस्कुरा मुस्कुरा के तब भी पढ़ा रहे हैं, और तुम बैठे बैठे पढ़कर थक गए, ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा? बताओ तो ही बताओ, सिलेक्शन ऐसे होगा? ऐसे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा ना बच्चे, हाँ ऐसे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। चलो, लेकिन हमारी भी इच्छा है कि अभी हम देशों को देखना चालू करेंगे तो समय लगेगा, तो यहीं पर रोकते हैं क्लास, ठीक है, यहीं पर रोकते हैं। अच्छा, आज से, आज अभी 3:30 बजे से पोल्टी एनसीईआरटी की क्लास स्टार्ट होगी, शुरू से ज्वाइन कीजिएगा। अल्टीमेट किताब है, दिमाग का दरवाजा खोलने वाली किताब है। तो मिलते हैं अभी 3:30 बजे पोल्टी एनसीईआरटी की क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।